अब नए वीडियोस देखिए हर वेंसडे और सैटरडे को। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका बिहारी जायका में। आज हम बनाएंगे बिहार की फेमस लिट्टी चोखा। पारंपरिक तरीके से लिट्टी उपले पे बनती है, पर इसे आज हम बहुत आसान तरीके से गैस पे बनाएंगे। इसके लिए चाहिए 2 कप आटा, 150 ग्राम सत्तू, 1 बड़े चम्मच कुटे हुए अदरक, 1 बड़े चम्मच बारीक कटे लहसुन, 3 बड़े बारीक कटे प्याज, 1 बड़े चम्मच अजवाइन, बारीक कटी हरी मिर्च, आप जितना तीखा खाते हैं उस हिसाब से मिर्च लें, 3 नींबू का रस, 2 बड़े चम्मच सरसों तेल, धनिया पत्ता। पहले हम सत्तू की स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। सत्तू में स्वाद अनुसार नमक, अजवाइन, प्याज, लहसुन, अदरक, नींबू का रस, हरी मिर्च डालकर मिलाएं। अब सरसों तेल डालकर मिलाएं। सरसों तेल डालने से सत्तू का स्वाद बढ़ जाता है। अब थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में धनिया पत्ता डालकर मिला दें। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से मिलाएं। देखिए, अब सत्तू को हाथ में लेने पे यह लड्डू जैसा बन रही है और तोड़ने पे ज़्यादा गीला भी नहीं है। अब सत्तू की स्टफिंग तैयार है। अब आटे में 1/2 चम्मच नमक और 1 बड़े चम्मच घी डालकर मिलाएं। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर सॉफ्ट आटा गूंथना है। आटा गूंथ चुका है। अब आटे की लोई लेके पेड़े जैसा बनाएं। अब थोड़ा सूखा आटा लगा के एक कटोरी जैसा बनाएं। आप देख सकते हैं मैंने कैसे बनाया है। अब इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच सत्तू की स्टफिंग डालें और अंगूठे से प्रेस करते हुए बंद करें और ऊपर जो भी एक्स्ट्रा आटा है उसे हटा दें। अब अच्छे से गोल करें। ऐसे ही करके सारी लिट्टी बना लें। अब गैस पे पतली तार वाला जाली रखें, उस पे एक और जाली रखें, फ्लेम को लो करें। अब लिट्टी डालें, पलट पलट के सब तरफ से सेक लें। ऐसे ही करके बाकी लिट्टी भी सेक लें। अब इसे घी में डालकर निकाल लें। अब आपकी गर्मा गर्म लिट्टी बनकर रेडी है। लिट्टी को चोखे और चटनी के साथ सर्व करें। आप देख सकते हैं लिट्टी अंदर तक सिक गई है और स्टफिंग भी कितने अच्छे से भरा हुआ है। आप चोखे की रेसिपी देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। आपको ये बिहारी लिट्टी चोखे की रेसिपी कैसी लगी है मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।